हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डेढ़ साल के अंदर मिलेगी 10 लाख नौकरियां। पीएम मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों को दिए भर्ती के निर्देश। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है, आने वाले डेढ़ वर्षों में सरकार विभिन्न विभागों में 10 लाख पदों पर भर्ती करेगी। ये भर्ती केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के अंतर्गत की जाएगी। सरकार के इस कदम से देश के करोड़ों युवाओं को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये नौकरियां देने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के इस कदम के लिए ट्वीट किया गया है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सरकार द्वारा अगले डेढ़ वर्षों में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी ने इससे पहले बीते अप्रैल में भी सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने अधिकारियों को सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को प्राथमिकता देने के लिए कहा था, ताकि देश में युवाओं के लिए अवसर पैदा किए जा सके। जानकार पीएम मोदी के इस कदम को आगामी लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 रखा गया है। वहीं साल 2024 में देश में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव भी होंगे। इस साल 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा साल 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में भी चुनाव होने हैं। ये सभी राज्य 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की नज़र से बेहद अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि बीते लंबे समय से विपक्ष द्वारा बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। इसी बीच सरकार की ओर से इतनी बड़ी संख्या में भर्ती की हरी झंडी दिखाई गई है। ये भर्तियां अगले डेढ़ साल यानी कि दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की ओर से आयोजित कराई जाएगी। जागरूक टीवी के लिए नई दिल्ली से खास रिपोर्ट।